नमस्कार, आम अतिथि को स्वागत जनाउछि। आज आम सहित सुलेखक अंतर्जातीय मनोविज्ञानी तथा प्रशिक्षक डॉक्टर अटल बिहारी मल्लिक सर रहिछन्ति। तबे चालंतु तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। सर नमस्कार, आम अतिथि कार्यक्रम को आपनको स्वागत। सर प्रथमे जानिया चाहिबे जे आपण ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके बहुत रिसर्च करिछन्ति, तो ह्यूमन साइकोलॉजी कौन से विषय टे कहिबे? अच्छा देखो, आम देखिए साइकोलॉजी गोटे एमती गोटे मानते पारामीटर एमती गोटे स्केल आम से आम बहुत जिनस जापर बहुत जिनस डेवलप कर पारिया। भावंतु जो दर्शक बंधु देखुं प्रति घर मान पा अच्छा आम पिला गोटे भल भल पेरेन्ट दे पूर्व आम से पिलार साइकोलॉजी स्टडी करें निहाती दरकार। भावंतु गोटे अफिसर अच्छा गोटे जो मैंने कम करमचारी साइकोलॉजिकल पैटर्न जब न जाणी आम आम अनुसार करवा गोटे मानने रंग रेजल्ट हो तेणु साइकोलॉजी एमती गोटे जिनस अच्छी भावंतु गोटे भावंतु रोगी ठू आरम्भ कर स्टूडेंट ठू आरम्भ कर माँ ठू आरम्भ कर समस्त ये जिनस दरकार होती तेणु से मोर बहुत इंटरेस्ट था ये सब्जेक्ट उपर जानापी। सर आपण जेतो पेरेंटिंग कथा कहिले, सर वर्तमान समय रे बहुत पेरेंट्स अछंते जो मन पिला को नेके बहुत टेंशन रे रहउछंते, बहुत कंप्लेन रहउछे जे पिला काहे के पढुनी, पिला काहे मो कथा सुनुनी। सर से विषय रे साइकोलॉजी रे कोन सब सॉल्यूशन रहिछ? अच्छा आपण बहुत बड़े पॉइंट वर देखेले एटी। देखंतु घर घर वर्तमान प्रॉब्लम हो जाइछे से पेरेंटिंग उपर रे। जदि हम पेरेंटिंग जदि कहले मु एक्चुअली स्टार्ट करी दीटा दिन सुरु गोटे ला पिला, सेकंड ला मदर एंड फादर। आपण देखो जमी मंजी जदि मंजी को आम से अनुसार से मटी पकेबा तो बढ़िया गच्छे हम आम भावे आम समस्त जानते कटन कटन पर दरकार ब्लाक सेल दरकार आम कटन को आम रेड सेल पकेबा गोटे फर्टाइल पकेबा किसी मीनिंग ना। तेणु मो कह अर्थ हो भावंतु पिला हेले से मंजी पिला मंजी मैंने जिते पिला अच्छा आम देखा जदि डिवाइड करछि 16 प्रकार डिवाइड करछि माने केत पिला अच्छा रिजिड अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड रफ टफ ए जिनस रुहति। भावंतु से समय मदर जी अच्छा मदर एक्जाक्टली से सब जिन आडप्ट कर सी कह तू रिजिड मुझे तेज छाड़े नहीं तू रफ अच्छे मुझे रफ हेबी टफ हेबी तेल देखो सीटा सांगे सांगे से घर नरकर हो। अच्छा तो मुझे कह रही ये पर्टिकुलरली आम देखा पड़ा मंजीटा केमी मंजी मैंने ये जहाँ मुझे देख ली पिला देख ली तेणु पिला आम देखें जिते भेराइट पिला तेनासार आम मानने मदर गोटे भेरी टेक्निकाली इंटेलीजेंटली आमको हैंडल करा पड़ो ना। भावंतु मो जन मदर तीनो पिला अच्छा जड़े भावंतु एमती है रफ एंड टफ होपे कहे रिजिड डोमिनेट क्यारेक्टर हो पारे आउ जन हो पारे स्टडी स्टडी मैंने से इमोशनाल मैंने से पुशिंग रोब से निजे किसी करें कौन पाई तार पैटर्न टा सेमती। देखो गोटे वार्ड मुझे यूज कली जो पैटर्न से पैटर्न बहुत जिन आना कौन आपन देखते भावंतु आम जहाँ आज तर रिजन है कौन आम ब्रेन रो 10 सेक्शन अच्छी से सेक्शन केमी मानने केमी कौटी न्यूरोन डेंसिटी अच्छी मैंने स्नायु के भावंतु मुझे सिंपल जिस कहि आमर एटा कहते ओसीपेटाल लेफ्ट ओसीपेटाल जदि आम न्यूरोन डेंसिटी कम रहा पिलार ऑब्जर्वेशन कमी ऑब्जर्वेशन कमी मैंने से बहुत डेरी में बुझे से समय जब पेरेंटिंग रे पिला मामा जदि मन को रिजिड थे कहीं तो बुझीप ना ये सहज जिस अन्न बुझुच्च मैंने कंपेरींग फैक्टर स्टार्ट है मामा एपर्त जापर ना तार एक्जाक्ट प्रोब्लम कौटी आम जापे ना तेणु से रफ्नेस टफ्नेस रोब आ पिला जब से इमोशनाल थी पिला मन कर धीरे धीरे मन मानने भितर मर मानने भितर सी बर्तमान मानने फ्रस्ट्रेटेड भाव स्टार्ट हे। अच्छा तेणु आगू को जीवाक आज इच्छा रही जो समय गोटे माँ ठू सी कौन आशा रखी ना मत उत्साह दरकार मत आगे गोटे आने दरकार कौन पे मोर छोट प्रोब्लम जो प्रोब्लम सी निजे ही जाने से समय रे गोटे पिला टिके इंटरप्ट करबे। सर एमते पिला अछन जोडा जो मन के पॉजिटिव वे रे नियंती कि घर लोक कहउछन्ते मां बापा कहउछन्ते त सर गोटे पॉजिटिव वे रे ने कि से भल से पाठै पढन्ते जिद्दी भी छाडी दियन्ते त तांकर साइकोलॉजी स्टेटमेंट केमते कोन रहो? अच्छा प्रैक्टिकल देखंतु आमे प्रैक्टिकली मु जति बतान मु केस स्टडी करछि मु देखुछि बहुत एंत अल्प केस होछि जोटा ए रिलेटेड ना पिला हां अनदेखा करन्ते हां मां कोन कहले बापा कोन कहले किंतु आपण प्रैक्टिकल देखंतु गोटे पिला मन का सेंसिटिव अछि ताको रेगुलरली ताको इमोशनाली भावंतु गोटे टर्चर जमी टर्चर मुझे कौन ए सेन्सर कह गए से भावंतु के साउंड सेनसीटिव था रफ्नेस टफ्नेस कले आम ओडिया जो जिनसा कहते हार्ड जड़े विरक्त बहुत लगे से समय माँ जाना दरकार एक्चुअली यार मुड कें चेंज होती सांगे सांगे साइकोलॉजिकल फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता गोटे भल भल इंडिकेटर जो आम मेजर करूँ से गोटे माँ ठूँ भल साइकोलॉजी दुनिया कहीं ना से समय जाना दरकार मो फ्रंट में मो पिलाटा केमी मोर जब मन कर मोर पुओटा केमी मो झीटा केमी मुझे जमी मत सेमती ट्रीटमेंट करा दरकार एमती नुचे मुझे धुआमूला अधुआमूला को गोटे रूल अप्लाई करी सेमती बिल्कुल नु कह समेत डिफरेंट समेत मानते समस्त पैटर्न ऑफ थिंकिंग अलग लॉजिक अलग ऑब्जर्वेशन अलग पर्सनालिटी अलग तेणु से अनुसार माँ को जाणी से अनुसार मेडिसिन दिखते ना सेमती बिहेव करा दरकार सेमती व्यवहार करके निज मानने कंट्रोल को आने दरकार।
सर किछ पेरेंट्स अछन्थे से माने जानी पारु नहांथे तो केमिति जानिबे आपन निजे देखंतु एटा मु इतिर बिल्कुल सहमत हेबिनि रीजन हला कोन गोटे मा भावंतु पिलार फेशियल एक्सप्रेशन जान दबो सीधा कह बाबू तोर कौन है कि खाली फेसियाल एक्सप्रेसन गोटे इंडिकेटर हो गला तेणु मुझे जिनस कह जो मैंने भावुँ आरे मुझे जापारे आम गोटे गोटे ही पर्सनालीटी थाए कहते कंप्लेंट पर्सनालीटी कंप्लेंट पर्सनालीटी मैंने से मैंने भितर जहाँ बाहर अलग स्टडी करा बहुत डिफिकल्ट से फिल्ड में जब पेरेन्ट टे फेल्योर होगा चान्सेस थाए कि बाकी सब फिल्ड में हो पार सिंपल देखते गोटे पिला जवाब दूसरे रागि जाऊँच तेरु बर्तमान से जानते आरे ये पिलार कौन ये डोमिनेट आपको सफ्टनेस दरकार आउ केत अच्छा भावंतु बहुत इमोशनाल अच्छे सेनसीटिव अच्छे तेनाली बारंबार कह रहे किसी मतलब नुहता इमोशनाली जब आम इमोशनाली आम ट्रीट करवा भल सल्यूसन मिल जाए कत अच्छा आते पे अच्छे इनफ्लुएंसल क्यारेक्टर आम कहू इनफ्लुएंसल मैंने वा वंडर साबास भेरी गुड पसंद हुए देखूँ आम जानूचे गोटे गोटे भल जिन दे मन खुश हो जाऊँच से समय जदि कि कम खराब अच्छी टी रफ एयर कौचे मन सांगे मानते जमी मानते भांगी जाऊ जमी मैंने मुझे जा सारे तार मेडिसिन है कौन मेडिसिन है वा वंडर साबास भेरी गुड से समय मुझे उल्टा देली तेणु देखूँ से कहि से पेरेन्टिंग तरफ़ आम जो अब्जर्व करूँ सीट गोटे बड़ भूल करदे आपर जो जिन हुए सब भूल हो जाए सर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं बहुत रिसर्च करते तेज ह्यूमन साइकोलॉजी भाई टॉपिक को कहीं बाछिले आप निजे देखते जमी आम ऑलरेडी डिस्कशन कर ह्यूमन साइकोलॉजी ना टोटल डिपेंड करिवे ना ब्रेन उपरे आपन देखंतु आमे ब्रेन साइंस जदि आमे देखिबा ना ब्रेन रो 10टा अलग अलग सेक्शन अछि समस्त अलग अलग फंक्शन अछि जेंते मन कहबि फर्स्ट डेटा को आमे देखिबा प्रीफ्रंटल तापर फ्रंटल पैरेटल टेम्पोरल ओसिपिटल इन अलग अलग सेक्शन रहछि देखंतु एक्जेक्टली प्रॉब्लमटा कोठो अछि भावंतु गोटे पिला अछि पिलार कौ सेक्शन में कैसे न्यूरोन डेंसिटी जमी भावंतु गोटे लोकर पैसा बहुत अच्छे आम कहे धनी जमी न्यूरोन डेंसिटी जदि न्यूरोन माने तार ब्रेन सेल को आम न्यूरोन कहूँ जो अधिक न्यूरोन जो अच्छी बास से पर्सनटा स्ट्रंग हे जमी भावंतु मुझे कहबी आम लेफ्ट फ्रंटल कंट्रोल होती लॉजिकल कत पिला था बुद्धू आम कहूँ अरे तू ये जिन बुझीपारू तार रीजन है कौन से पर्सन में तार न्यूरोन डेंसिटी कम थाए अच्छा जिते न्यूरोन डेंसिटी कम था ऑटोमेटिकली कौन तार मानने भावंतु लॉजिकली जहाँ मन कथा कहुच ना तो सेम से फेलियर हुए आदि तार पर्सनालिटी से सेंसिटिव थी जी आम मन टी जोर कहीदे लगे बहुत मानते भितर बहुत मानते अड़ुआ फिलिंग हुए तेणु मुझे सिंपल जिस कह ह्यूमन साइकोलॉजी आउ ब्रेन भितर पूरा भयंत परिपूरक जमी आम ब्रेन पैटर्न अच्छी ब्रेन न्यूरोन डेंसिटी एक्जाक्टली गोटे लोकर आम देखिले मैंने तार साइकोलॉजिकल पैटर्न एक्जाक्टली तार पर्सनालिटी एक्जाक्टली सेमती होती है लॉजिकल पावर ऑब्जर्वेशन ये जिन सब जिन सामान रोचे ह्यूमन साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस दुईटी भितर किसी तफात रही अच्छा मुझे आउ थ रिपीट करी जमी आम ब्रेन पैटर्न अफ रोच पैटर्न जमी डेंसिटी रोचे न्यूरोन डेंसिटी एक्जाक्टली गोटे लोकर गोटे पिलार राइट तार मानने पैटर्न ऑफ थिंकिंग शेयर रोचे आ जमी पैटर्न ऑफ थिंकिंग आम कौन कहलु ना तार साइकोलॉजी सेमती रोचे तेणु से दुटा को परिपूरक हिसाब से रही है सर जमी रही है सिक्स सेन्स आम मैंने पूर्व लगे किसी हवा को जाए पर जाए तो सिक्स सेन्स के सत अच्छा प्रैक्टिकल देखो सिक्स सेन्स आम आज का डेट आम जहाँ करूँ आम पांचटा सेन्स पांचटा इंद्रिय आम करूँ सिक्स सेन्स बहुत लोग एम कहते अरे से भाई आज आसा मोर सका जना पड़ा ए एक्सीडेट मुझे गाड़ी चढ़ी थी ना भल लगे मुझे ओल्ल पड़ी ए जो सिक्स सेन्स ना बहुत लोगों एमती डेभलप होती थाए देखा जो मैंने काम एंड क्वाइट जेनराली टी स्पिरीचुआलिजम मेन्टेन करती ना मेडिटेशन रेगुला करते जिस भल डेवलप हो जाए आउ एमती बहुत आपड़ देखते भावंतु गोटे फिल्म अच्छी फिल्म ना है द मैन हू शॉट ट्यूमर जो थे जनकर सिक्स सेन्स से लेवल पर डेवलप था 200 वर्ष तलू से जहाँ जहाँ कही बर्तमान धीरे धीरे मानते जाए आप जानते हैं नोस्टार्मस मो कह रहा हूँ सिक्स सेन्स आम समस्त गोटे पार्ट ही थाए देखा किए के डेभलप करजर रहा आउ से जिन जेनराल होती जैसे कामनेस क्वाइटनेस मेडिटेशन ये जिन जो कर जिस डेवलप हो जाए सर आप साइकोलॉजी गोटे रही साइकोनिरोबिक्स सर से कौन साइकोनिरोबिक्स कौन साइकोनिरोबिक्स जमी आम अलरेडी डिस्कसन कले से दुटा पार्ट था गोटे साइकोलॉजी आ गए न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी किसी पार्ट था यदि न्यूरोलॉजी में पार्ट देखे ना ब्रेन साइंस ब्रेन साइंस आम जब आर जी न्यूरोन न्यूरोन को आज आम देखा ना कौ पार्ट के न्यूरोन अच्छे देखा कत पिला गोटे भावत फ्रंट पार्ट्रे आम फ्रंट को प्रीफ्रंटल कौ प्रीफ्रंटल दी दुटा पार्ट था गोटे पार्ट कौन ताकू कहूँ इंटरपर्सनाल आस्पेक्ट जदि से पार्ट अधिक थाए तो से पिला कौन करती ना बापा मामा इमोशन को फिल कर पारती माने माने फेशियल एक्सप्रेशन रू से धरी पारती कत अच्छे जिते जहाँ भी कि फरक पड़े माँ कहते अरे तू मो मन कथा तू जापारू
ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହିବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ରିଜନ ହେଲା କ'ଣ, ଯେତେ ନ୍ୟୁରୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲେବୁଲରେ ମେସିନ୍ ଟିକେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ୱିକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଦେଖିଲା ବ୍ରେନ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ସରି ନ୍ୟୁରୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି ରହିଲା ତାର କାର୍ବନ କପି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ କପି ଆମେ ମିଳିଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପାଟର୍ନ, ସେମିତି ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପାଟର୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସାର୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଘୋଷି ଘୋଷି ବି ମନେ ରହୁନି, ଯଦି ମନେ ରହିଯାଉଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀର କେଉଁ ୱାର୍ଡ କେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ମେମୋରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ମେମୋରିକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଦୁଇ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅଡିଟୋରୀ ମାନେ ଶୁଣିବା ମେମୋରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଖିବା ମେମୋରୀ। ଗୋଟେ ଗାଈ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହମ୍ବା କଲେ ସେ କାନ ମୋଡ଼ିଦେବ, ଆମେ ମୋଡ଼ିପାରିବାନି, ତା'ର ଅଡିଟୋରୀ ମେମୋରୀ ବହୁତ କାମ ଦିଏ। ଗୋଟେ ହାତୀର ଅଡିଟୋରୀ ମେମୋରୀ କାମ ଦିଏ, ମାନେ ଶୁଣିବା ମେମୋରୀ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଫିଲ୍ଡରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ମେମୋରୀ ପାୱାର ହେଲା କ'ଣ, 20 ଗୁଣା ପାୱାରଫୁଲ। ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଥରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍କୁ, ଗୋଟେ ଇମେଜ୍କୁ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା, 20 ଥର ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀର କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଡ଼ର ମନେ ରଖିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରେ କ'ଣ ନା, ଆମର ରାଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଭାବନ୍ତୁ ପଢ଼ାଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମେ ବି ପିଲା ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ତାର ପାଠ ମନେ ରହୁନି ବା ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତା ଉପରେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମୁଁ ପୁରା ସହମତ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁ କି ଯାହା ବି ରହୁ, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଲିଲା ମାନେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତା ରିଜନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଜିନିଷଟାକୁ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା, ମାଆ ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଏବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡ଼ିଟା ଦରକାର, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଯେମିତି ମୋବାଇଲ୍ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ସେ ରିଲେଟେଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଥରେ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କମିଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ, ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ସେପଟକୁ ଆସିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସାର୍ ଆଜି ତ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ସାର୍ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଆମ କନେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଁ ସିମ୍ପଲି କହିବି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମଦର୍ସ, ମଦର୍ସ ହେଲେ ମାଟି ଆଉ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ମଞ୍ଜି। ଭାବନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଆପଣ ପରଖନ୍ତୁ। ରିଜନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ, ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଠିକ୍, ପିଲା ହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲେ, ସେ ଟେଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଦେଖେ କେତେ ମାନେ ମଦନଙ୍କର ଲଜିକ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଲଜିକ୍ କମ୍ ଥାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି, ସୁନ୍ ଘରେ ଭୂତ କଳି, ମାନେ ଲଜିକାଲି ସେମାନେ ଜଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାଟା କେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଛି, କେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପାଟର୍ନ କ'ଣ, ତା'ର ଇମୋସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିରା ସହିତ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାନେ ବିଗିଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଥିଲା, ନା 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 ସବୁ ପିଲା ଭୁଲ, ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଭୁଲଟା ମୋ ତରଫରୁ କ'ଣ ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ କହିବି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ 40 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ, 38 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ ଲଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ରିଜିଡ଼ ହୁଅନ୍ ତ। ତା'ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ହେଲେ ସାଉଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ, ସାଉଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭ ମାନେ ସେମାନେ ରଫ୍ନେସ୍ ଟଫ୍ନେସ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଗେଜେ ଗେଜେ ମାନେ ରିପିଟେସନ୍, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରତି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାଆ ମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହେବା ରିଜନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ରିପିଟେସନ୍, ରଫ୍ନେସ୍ ଟଫ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ ଯେଉଁ ରିପିଟେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍କୁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି କରିବି ନା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେଟା ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି କହିବା, ରାଗି କହିବା, ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରାଗିଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ସେଥିରେ ମାଆ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଲଜିକାଲି ଭାବିବେ, ସାଆନ୍ତରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଭୁଲ ମୋ ତରଫରୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ଝିଅ କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି,
पुणी देखा हबो आउ एक नुआ अध्याय रे आउ जने नुआ अतिथि सहित रहुचे। नमस्कार।